स्वागत है आपका अभी क्लास स्टाउट्स में। और आपका प्रश्न है कि शीत निष्क्रियता से क्या तात्पर्य है। आइए इस प्रश्न का जवाब लिखेंगे। इस प्रश्न के जवाब में लिखेंगे कि अनेक जंतु अत्यधिक ठंडे या शुष्क गर्म वातावरण में अपने आवास से माइग्रेट करने में असमर्थ होते हैं। ये क्या चीज है, इसे आप इस प्रकार से समझिए कि मान लेते हैं कि एक कछुआ का आप कल्पना कीजिए। कछुआ बहुत ही धीरे चलता है और आप कल्पना कीजिए कि बहुत ज्यादा ठंडा पड़ रहा है। और इस ठंडे में क्या होगा कि कछुए को अपना स्थान छोड़ के जाना पड़ेगा, नहीं तो कछुआ मर जाएगा। तो आप कल्पना कीजिए कि कछुए को 2000 किलोमीटर की दूरी तय करनी है इस तरफ भी और 2000 किलोमीटर की दूरी तय करनी है इस तरफ भी, तो वो ना ही भाग पाएगा क्योंकि वो बीच में फंस चुका है और 2000 किलोमीटर की दूरी तय करना उसके लिए मुश्किल है। ऐसे में वो क्या करेगा, ऐसे में वो गड्ढा बना करके अंदर ही छुप जाएगा या कहीं और छुप जाएगा। तो वैसे जीव जो क्या होते हैं, अतः अत्यधिक शीत से बचने के लिए जंतु भूमि के अंदर चले जाते हैं, धरती के अंदर चले जाते हैं, जिसे शीत निष्क्रियता कहते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे जीव के फोटो दिखाए गए हैं और इंग्लिश में इनके नाम भी लिखे गए हैं जो शीत निष्क्रियता करते हैं, यानी ठंड से बचने के लिए शीत निष्क्रियता को अपनाते हैं। अब एक और जीव का नाम याद रखना, मेंढक एक ऐसा जीव है जो ग्रीष्म निष्क्रियता एवं शीत निष्क्रियता दोनों को प्रदर्शित करता है। यानी इसको अत्यधिक गर्मी लगता है तब भी ये गड्ढा बना के छुप जाएंगे और अत्यधिक ठंडा लगेगा तब भी ये गड्ढा बना के छुप जाएंगे। ये था आपके प्रश्न का जवाब। ऐसे और प्रश्नों के जवाब के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।